हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं आरुषि आपका स्वागत करती हूँ न्यूज प्लस में। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। कानपुर में इरफान सोलंकी के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार का पुतला भी फूंका, योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए और सपा ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में धरने पर बैठे हैं। सपा समर्थकों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। पुलिस ने सपा समर्थकों को बस में भर कर वहां से ले गई। अजय मिश्रा टेनी का पुतला फूंका गया है, जिसने तानाशाही पूर्वक उसके सुपुत्र ने लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और किसानों की हत्या की। ऐसे हत्यारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में उस वक्त तक के आंदोलन चलता रहेगा जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं आता, जब तक मृतक किसानों को दो दो करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता, जब तक उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों पे धरना दे रहे, किसानों पे कार चलाई है, 8 किसान मर गए। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिस इस हाल में इसके बावजूद भी देश का गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, उसका लड़का ये स्थिति आ गई है कि उसका लड़का अभी भी फरार है और ये देश की सरकार, गूंगी बहरी सरकार और इन भ्रष्टाचारियों जंगल राज की सरकार, आज ये स्थिति आ गई कि योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं करी। हम विनती करते हैं 2 करोड़ मुआवजे के लिए, हम बात करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, हम बात करना चाहते हैं उसमें 302 का मुकदमा लगे और 120 का मुकदमा गृह राज्य मंत्री पे लगे और वो इस्तीफा दें, गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी ही कॉल थी, उनकी ही कॉल पे लोग आए थे। किसानों की मौत के बाद अब पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सपा के बाद कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर धरने पर बैठ गए। कानपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डीएम डीजीपी को बर्खास्त किया जाए, केंद्रीय मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने और गिरफ्तार कर जेल में डालने की भी मांग कर डाली। ये धरना है और यहाँ एक एक कांग्रेस जन जिस तरीके से किसानों की हत्या की है, इस सरकार ने अपने मंत्री के पुत्र के माध्यम से कार चढ़ाकर इंसान को कुचला जा सकता है लेकिन आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता। डीएम और डीजीपी को बर्खास्त किया जाए, केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर तुरंत जेल में डाला जाए गिरफ्तारी करके, ये कांग्रेस जनों की मांग है। जिनको गिरफ्तार करना था उनको अच्छा खाना खिला रही है सरकार और हमारी नेता प्रियंका गांधी किसानों को न्याय के लिए लखीमपुर जा रही थी, उनको रास्ते में गिरफ्तार करके अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ पुलिस जो थी, पुरुष पुलिस, उसने धक्का मुक्की की, बिना वारंट के 144 लागू थी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मंत्रियों का घेराव करेगा, सांसदों का घेराव करेगा, कानपुर में कोई मंत्री आएगा तो हम उसका काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करेंगे, करानी है कितनी हत्याएं करा ले। तो ये थी अब तक की खबरें। हमें विश्वास है कि आप इन खबरों को देखकर जरूर ये सोचेंगे कि हमारा फर्ज भी कुछ है क्या, क्या हमें भी देश के लिए कुछ करना होगा या फिर सब सरकार करेगी। सोचिए और देखते रहिए न्यूज प्लस, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।